हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग जो है अच्छे होंगे। तो मैं देवत रहा पश्चिम बंगाल से। दोस्तों आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पिछला एक प्रोग्राम मैंने दिया था जो कि इथेरियम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर बेस्ड था। बहुत लोगों को बहुत पसंद आया, बट वही सवाल है कि सर हमें तो क्रिप्टो करेंसी के बारे में नहीं पता है या जितना भी पता है हम लोग इथेरियम को कैसे खरीदे। तो बहुत दोस्तों ये वीडियो अगर आप देखेंगे ना एक दो बार तो आपको पक्का पता चल जाएगा, ऐसा कोई कठिन चीज़ ही नहीं है। हम लोग ऐसे ही घबराते हैं और अभी तो इंडिया में लीगल भी हो चुका है, तो आप क्रिप्टो करेंसी को या इथेरियम को जो है खरीद सकते हो, बेच सकते हो। आज के वीडियो में मैं खरीदना भी दिखाऊंगा, आपको बेचना भी दिखाऊंगा, कैसे हम लोग विदिन सेकेंड बेच सकते हैं और विदिन सेकेंड खरीद सकते हैं। तो बस वीडियो को देखिए, अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और आप लोग बिल्कुल भी लाइक नहीं करते तो प्लीज़ लाइक। दोस्तों मैं वजीरेक्स के यूज़ कर रहा हूँ, तो वजीरेक्स एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन है जो इंडिया का एक कंपनी है, तो वो आप डाउनलोड कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन रहेगा, नीचे देखिए इन्फो, मार्केट, ऑर्डर और फंड, ये चार ही ऑप्शन है, ठीक है ना। जब फंड पे आप क्लिक करेंगे, जैसे मैंने क्लिक किया फंड पे, क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे डिपॉजिट INR बोल के दिखा रहा है एक ऑप्शन, तो मैंने डिपॉजिट पे क्लिक किया। तो नीचे देखिए मेरा बैलेंस जीरो है, नया अकाउंट मैंने बनाया है इसमें, और डिपॉजिट एंड विड्रॉल का दो ऑप्शन यहाँ पे दिखा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, आप लोग INR से इसको खरीदेंगे ना, INR से। तो यहाँ पे देखिए डिपॉजिट करने के बाद दो ऑप्शन, तीन ऑप्शन यहाँ पे दिखाता है। स्टैंडर्ड डिपॉजिट, इसमें अगर आप जाएंगे तो जो है आप इसमें UPI से भी पेमेंट कर सकते हो, बट इसमें जो है थोड़ा सा टाइम लगता है। बाकी यहाँ पे बैंक डिटेल्स भी दिया गया है, UPI से भी आप ट्रांसफ़र कर सकते हो। और नीचे देखिए IMPS, RTGS, NFT एंड UPI, एडिशनल स्टेप आफ्टर डिपॉजिट। तो यहाँ पे 24x7 0 चार्जेस हैं। बाकी अपने अकाउंट से ही आप कीजिएगा, दूसरे के अकाउंट से आप मत कीजिएगा। तो यहाँ पे टर्म्स ऑफ कंडीशन है इसमें, खुद के अकाउंट से ही आपको जो है बाय करना होगा और खुद के अकाउंट से ही जो है आपको सेल करना पड़ेगा। तो नीचे देखिए इंस्टेंट डिपॉजिट, अगर आपको इंस्टेंट डिपॉजिट चाहिए तो 10 रुपीज़ चार्जेस लगेगा इसमें। यहाँ पर देखिए बैंक डिटेल्स का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर बैंक डिटेल्स का ऑप्शन दिया गया है, और यहाँ पर UPI पेमेंट, जीपे, फ़ोनपे, वीम नॉट सपोर्ट। बट यहाँ पे क्या है ना, डायरेक्ट आप बैंक ट्रांसफ़र कर सकते हो, ऊपर वाला ऑप्शन में आप कर सकते हो, वीम पे यूज़ कर सकते हो, गूगल पे यूज़ कर सकते हो, बट उसमें लेट होगा। बट इस ऑप्शन से करेंगे बैंक में तो आपको इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ जो है टर्म्स ऑफ कंडीशन मैंने आपको बता दिया। बाकी मैं अपना जो है, मैं 1000 रुपीज़ को जस्ट आप लोगों के दिखाने के लिए 1000 रुपीज़ का मैं इथेरियम खरीदूंगा। ये मेरा अकाउंट है, मैंने इस कंपनी का जो है बैंक अकाउंट में मैं IMPS करूंगा अभी 1000 का। तो इसमें मैंने 1000 कर दिया, ये लाइव दिखा रहा हूँ आप लोगों को। रिमार्क मांग रहा है कुछ भी दे देता है। तो मैं इसमें लिख दिया ETH, इथेरियम का शॉर्ट फॉर्म, और उसके बाद प्रोसेस करने के लिए बोलेगा। दोस्तों मैंने प्रोसेस किया और उसके बाद ये प्रोसेस जो है सक्सेसफुल हो गया, मतलब मेरा अकाउंट से मैंने वजीरेक्स के अकाउंट में ट्रांसफ़र किया 1000, क्योंकि मुझे 1000 का चाहिए क्या, इथेरियम, ओके ना। तो यहाँ पे देखिए डिपॉजिट हो गया है 900 मुझे रिसीव होगा, क्योंकि 10 रुपये जो है उन लोगों का चार्जेस है, ट्रांजैक्शन फीस मान सकते हो। तो ये मेरा पूरा डिटेल्स आ गया इसके अंदर। इसके बाद मैंने फिर ओपन किया एप्लीकेशन को, यहाँ पे देखिए एक मार्केट बोल के ऑप्शन है, क्योंकि मेरे पास अभी INR आ चुका है वजीरेक्स में। ऊपर में देखिए USDT, बिटकॉइन, INR, तो INR में हमने क्लिक किया। उसके बाद देखिए यहाँ पे इथेरियम बोल के एक ऑप्शन रहेगा, तो इथेरियम पे मैंने क्लिक किया। अभी इस INR तो मेरा इस वॉलेट में आ गया, अभी INR से मैं इथेरियम खरीदूंगा 1000 रुपीज़ का। तो यहाँ पे नीचे देख सकते बाय एंड सेल का ऑप्शन है, तो बाय एंड सेल पे क्लिक किया। देखिए ऊपर में 1110 ये करंट रेट दिखा रहा है, एक इथेरियम का इतना कीमत है, और बाय पे क्लिक करना होगा, ठीक है ना। तो मेरे पास कितना है, 990 रुपये, अभी 990 रुपये का मैं इथेरियम ख़रीदने वाला हूँ वजीरेक्स पे। तो यहाँ पे 990 रुपये का कितना होगा यह मुझे देखना पड़ेगा। 0.01 का कीमत दिखा रहा है, 110 रुपये, 0.0, वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा दोस्तों, देखिएगा आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। 0.07 नहीं हो रहा है, 0.09 नहीं हो रहा है, 0.8 अगर हम बाय करते हैं तो मेरा अकाउंट से 887 कटेगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी अकाउंट में 1000 तो डिपॉजिट किया ही है, 1000 आ भी चुका है। तो ये है टोटल बैलेंस, 0.08 मिलेगा, टोटल चार्ज मुझे लगेगा 887 रुपीज़, ठीक है ना।
और ये देख सकते हो, ये मुझे कंफर्म करने के लिए बोल रहा है। तो ये जो स्लाइड देख रहे हो, स्लाइड टू कंफर्म, ठीक है ना, ये मेरा टोटल वैल्यू दिखा रहा है, इतना प्राइस में मैंने ख़रीदा 0.08 इथेरियम ख़रीदने जा रहा हूँ, और इसको स्लाइड करने के लिए बोल रहे हैं। तो आप जो है इसको स्लाइड कीजिए, ये जो एक ऑप्शन है इसको स्लाइड कीजिए, तो ये कन्फर्म होगा भाई मैंने कर दिया स्लाइड, ठीक है। तो मेरे वॉलेट में जो 1000 था जो मैंने अभी डिपॉजिट किया, रिफ्लेक्ट भी हो गया मेरे वजीरेक्स पे, और मेरा जो है ऑर्डर प्रोसेस पे चला गया, मतलब मैंने ऑर्डर लगा दिया। INR तो मेरे अकाउंट में वजीरेक्स में आ ही गया। अभी मैं इसमें INR से इथेरियम ख़रीदने जा रहा हूँ, जो कि मैंने बिड लगा दिया, अभी ये प्रोसेस पे है, अभी विद इन सेकेंड जो है ये कन्फर्म हो जाएगा। 0. कितना बताया मैंने आपको, 0.07, जो कि टोटल हो रहा है 887 रुपीज़, बाकी मेरा 100 रुपया अकाउंट में रहेगा। तो ये मैंने फिर से ओपन किया, देखिए नीचे मार्केट है, नीचे मार्केट में ऑप्शन है, और आप जाइए ऑर्डर पे, ऑर्डर पे जाने के बाद दिखा है, आप देख रहे हो यहाँ पे कंफर्म दिखा रहा है, मतलब मेरा वजीरेक्स पे मैंने 800 कितना रुपए में 0.7 इथेरियम मैंने ख़रीद लिया। ओके जी, तो यहाँ पे देखिए INR बैलेंस भरा हुआ है 100 रुपया, और उसके बाद इथेरियम मेरे को आ गया है, और फंड में मैंने क्लिक किया, देखिए इथेरियम आ चुका है मेरा, तभी मैंने फंड में क्लिक किया। अब भी मेरे पास 0.08 इथेरियम है, और इसको मैं ट्रांसफ़र करूँगा ट्रस्ट वॉलेट पे, ठीक है ना, या इसको मैं ट्रस्ट वॉलेट पे सेंड करूँगा, क्योंकि ट्रस्ट वॉलेट पे मेरे को ये इथेरियम चाहिए। तो डिपॉजिट में अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका वजीरेक्स का इथेरियम एड्रेस दिखाएगा जो दिखा रहा है। अगर आप विड्रॉल पे क्लिक करेंगे तो, अगर किसी को विड्रॉल दे, मतलब किसी को ट्रांसफ़र करना चाहते हो, तो मैं इधर से ट्रांसफ़र करूँगा अपने ट्रस्ट वॉलेट में। तो ये जो है मेरा ट्रस्ट वॉलेट मैंने ओपन किया, नीचे देखिए सेम चार ऑप्शन है, सेटिंग्स, DF, वॉलेट। तो वॉलेट में मैंने क्लिक किया, देखिए मेरा जो ट्रस्ट वॉलेट पे कुछ डॉलर पड़ा हुआ है, यहाँ पे सबसे पहले जो इथेरियम दिखा रहा है, ठीक है, इस इथेरियम में मेरे को क्लिक करना पड़ेगा। ऊपर में तीन ऑप्शन है, सेंड, रिसीव एंड कॉपी। सेंड मतलब किसी को अगर भेजना चाहता हूँ, रिसीव मतलब लेना चाहता हूँ, तो मैं इस अकाउंट में लेना चाहता हूँ। तो ये नीचे जो है मैंने इसको हाइड किया है, ये मेरा इथेरियम का एड्रेस है। इस इथेरियम एड्रेस को देखिए, नीचे कॉपी वॉलेट का ऑप्शन है, अगर कॉपी करेंगे तो इथेरियम इस एड्रेस का कॉपी हो जाएगा। उसके बाद मैं चला गया वजीरेक्स पे, जहाँ पे मैं विड्रॉल इथेरियम बोल के का ऑप्शन है, यहाँ पे आपको जो आपने कॉपी किया है इसको पेस्ट करना पड़ेगा, चाहे तो बार कोड को स्कैन भी कर सकते हो, बहुत इजी तरीका है दोस्तों, एक दो बार करेंगे कोई मामूली सी बात है। और यहाँ पे मेरा बैलेंस दिखा रहा है 0.8 इथेरियम, क्योंकि मैंने अभी आप लोगों के सामने ख़रीदा, और यहाँ पे 0.01 चार्जेस है, ये आप ख्याल रखिएगा, 0.01 का कीमत है अभी लगभग 100 रुपया। तो मेरा अकाउंट में 0.08 इथेरियम है, बट ट्रांसफ़र होगा 0.07, क्योंकि 0.01 जो है वो कटेगा, ट्रांजेक्शन फी बोल सकते हो आप। तो इतना मेरे को जाएगा, फाइनल अमाउंट दिखा रहा है 0.07, इतना ट्रांसफ़र होगा। और रिमार्क्स के जगह पे मैं ETH लिख देता हूँ तो मैंने लिख दिया, और प्रोसेस पे मेरे को क्लिक करना पड़ेगा। आप सिर्फ मेरा वीडियो देख देख के कॉपी पेस्ट कीजिएगा, हो जाएगा, प्रोसेस मैंने किया। और इसको भी देखिए यहाँ पे एक बार शाम दिखा रहा है क्या क्या, मतलब किस एड्रेस पे जाएगा ये नहीं, और इसके बाद भी स्लाइड टू कन्फर्म बता रहा है कि भाई स्लाइड टू कन्फर्म में करेंगे तो चला जाएगा पेमेंट, कर दिया। अभी ये गूगल ऑथेंटिकेशन दिखा रहा है, आप लोग अगर गूगल ऑथेंटिकेशन एक्टिव करेंगे तो ये एक आपको सिक्योरिटी है, वो जब आप करेंगे, ये मेरे पास आ गया मैसेज, तो मैंने इसको किया। उसके बाद एक मेल चला जाएगा मेरे मोबाइल पे, क्योंकि ये बहुत सिक्योर मामला है, तो आपको अपना मेल ओपन करना है। मेल में इस तरीके से आएगा, देखिए 0.08 इथेरियम मैंने ट्रांसफ़र किया, तो इसको जो है अप्रूव करना पड़ेगा, एक बार क्लिक करना पड़ेगा आपका मेल में जाके, तभी जो है ये ट्रांसफ़र होगा। वजीरेक्स से मैं ट्रांसफ़र कर रहा हूँ ट्रस्ट वॉलेट पे, ये सक्सेसफुल दिखा रहा है, ठीक है ना, तो ये सक्सेसफुल दिखा रहा है, तो ये सक्सेसफुल कंप्लीट भी हो चुका है। अभी मैं अपना ट्रस्ट वॉलेट ओपन किया, अभी आप लोग देख सकते हो 0.07 जो है मेरे को रिसीव भी हो चुका है, बहुत ही ईजी तरीका है। और ये ऊपर में देख सकते हो एक नोटिफिकेशन भी आता है ना मोबाइल में, तो 0.07 इथेरियम मुझे ट्रस्ट वॉलेट पे मिल भी गया है, ठीक है। अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कैसे आप, अगर आप इनकम कर रहे हो, अगर आपके पास इथेरियम है ट्रस्ट वॉलेट पे, तो कैसे आप INR में विड्रॉल लेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन में है
यहाँ पे ऑप्शन में आप क्लिक करेंगे सेंड, क्योंकि आपको मैं दिखा रहा हूँ अभी ट्रस्ट वॉलेट से कैसे आप वजीर एक्स पे ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है ना। तो क्यों मैंने विड्रॉल भी दिखाया, डिपॉजिट भी दिखाया, भाई विड्रॉल आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो हमें क्या चाहिए, वजीर एक्स का इथेरियम एड्रेस, तो मैं ढूंढ लेता हूँ वजीर एक्स का इथेरियम एड्रेस। ये है वजीर एक्स का अकाउंट, वजीर एक्स यहाँ पे डिपॉजिट बोल के एक ऑप्शन है, डिपॉजिट में जाएंगे तो ये वजीर एक्स का एड्रेस है दोस्तों। इसको मैंने, इस एड्रेस को मैंने क्लिक किया, कॉपी किया, कॉपी हो गया। अभी चले जाएंगे मेरा ट्रस्ट वॉलेट पे। अभी मैं विड्रॉल करके दिखा रहा हूँ कैसे INR मिलता है अगर आपके पास इथेरियम है। तो मैंने वजीर एक्स का इथेरियम एड्रेस डाल दिया यहाँ पे, ठीक है। अभी कितना इथेरियम सेंड करना है मुझे, एज ए एग्ज़ाम्पल 0.05 अगर आप इनकम कर रहे हो या कहीं से भी आपका इथेरियम है तो कैश तो करना पड़ेगा INR में। तो मैंने ये डाल दिया और इसके बाद ऊपर में देखिए नेक्स्ट बोल के एक ऑप्शन है राइट साइड पे, राइट कॉर्नर पे, तो मैंने इन्हें क्लिक किया। क्लिक करने के बाद ये बता रहा है टोटल सम, किस अकाउंट में जाएगा पेमेंट, कितना नेटवर्क फीस लग रहा है। देखिए $0.01 नेटवर्किंग फीस है यहाँ पे, बहुत कम। टोटल जो है $7.13, मतलब 0.05 का 7 समथिंग डॉलर होता है। तो मैंने ट्रांसफ़र कर दिया और ये पेंडिंग ट्रांसफ़र दिखा रहा है। विद इन सेकेंड ये पेमेंट जो है कन्फर्म भी हो जाएगा। यहाँ पे मोर डिटेल्स पे जाके आप ब्लॉकचेन पे जाके देख सकते हो कि अभी कन्फर्म हुआ है नहीं हुआ है। दोस्तों अभी मैं विड्रॉल करने जा रहा हूँ वजीरेक्स में जो मेरा इथेरियम है जो कि मैंने अभी ट्रांसफ़र किया उसको INR में। तो ऑर्डर पे मैंने क्लिक किया, ऊपर पे देखिए अभी जो है ये पेंडिंग दिखा रहा है, ठीक है, सॉरी कन्फर्म दिखा रहा है 100%। तो जो है अभी मैं फंड में क्लिक किया तो देखिए मेरे पास जो है बैलेंस दिखा रहा है 654, बट ये 654 विड्रॉल नहीं होगा। मिनिमम वजीर एक्स में विड्रॉल होता है 1000 रुपीज़। तो मैं पॉज करके थोड़ा सा ऐड कर लेता हूँ, बाकी कंटिन्यू देखिएगा। यहाँ पे देखिए स्टैंडर्ड विड्रॉल बोल के एक ऑप्शन है, तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे मेरा अकाउंट नंबर दिखा रहा है जो आपको पहले से KYC अकाउंट नंबर सब कुछ देना पड़ेगा। तो उसके बाद 500 मैंने दिया, बट जो है ये 500 ट्रांसफ़र तो होने वाला है नहीं क्योंकि मैं बाद में वॉइस दे रहा हूँ। तो मैंने XYZ लिखा, तो उसके बाद देखिए यहाँ पे मिनिमम विड्रॉल जो है $1000 दिखा रहा है, ठीक है। तो चलिए मैंने समथिंग बैलेंस ऐड किया, तो अभी 1500 रुपये के समथिंग मेरा अकाउंट पे है, मतलब इथेरियम जो है इसको मैं INR में विड्रॉल करूँगा। तो देखिए मैं चला गया अपने सेम जगह पे विड्रॉल पे 1000 रुपीज़ लिख दिया और कुछ भी XYZ लिख दिया, और इसमें सेम एक OTP आएगा, तो OTP को जो है हमको यहाँ पे देना पड़ेगा, उसके बाद ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। देखिए मेल पे एक मेल गया है, ये INR की बात कर रहा हूँ सर, जो आपने इथेरियम इनकम किया है उसको आपने सेल किया, उसके बाद जो आपने अपने बैंक अकाउंट से आप लेते हो। बट वजीर एक्स में देखिए मैसेज भी आ गया मेल पे, तो मैंने मेल ओपन किया, देखिए 1000 का यहाँ पे भी जो है अप्रूव विड्रॉल बोल के जहाँ पे ऑप्शन है, एक बार क्लिक करना पड़ेगा आपको, तो क्लिक में कर लिया तो ये सक्सेसफुल कंप्लीट हो गया। दोस्तों अभी ये विड्रॉल आने में 24 आवर्स से 48 आवर्स लग सकता है, तो वीडियो में बाद में भी अपलोड कर सकता था, बट ये इमरजेंसी में आप लोगों को दे रहा हूँ। इस साइड से मैंने बहुत बार विड्रॉल लिया, काफ़ी सालों से ले रहा हूँ इवन। तो यही है कि जब भी हम नए कुछ प्रोग्राम्स में काम करते हैं, नया नया कोई टेक्नोलॉजी होता है, तो बहुत लोग, जैसे इंडिया में भी है, बहुत लोग भाई समझते नहीं हैं या सोचते हैं कि भाई ये मेरे से नहीं होगा। बट ये फैक्ट भी मैं बता रहा हूँ, जब तीन साल से लगभग क्रिप्टो करेंसी में हूँ, जब 3 साल पहले से मैंने ये सब ट्राइब का कॉन्सेप्ट में ज्वाइन किया, तब मुझे भी कुछ भी नहीं पता था, मैंने भी ऐसे वीडियो देख देख के ही सीखा था। तो ये बहुत ही ईजी है क्योंकि ये फ्यूचर का करेंसी है, इवन फ्यूचर में बहुत इसका यूज़ केस होगा, बहुत टाइप का प्रोग्राम आने वाला है फ्यूचर में भी। तो दोस्तों ये चीज़ को आप लोग सीख लो, बहुत ही ईजी है, एक दो बार ट्राई करेंगे तो डेफिनेटली सीख पाएंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हम जैसे लोग सीख पाए हैं तो सभी लोग सीख ही पाएंगे, आशा करते हैं। ये वीडियो दोस्तों आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़, अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए,
सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट भी देखना चाहते हो कि भाई मेरे को पेमेंट आया ही नहीं, तो बाद में आप एक दिन बाद आप मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको जो विड्रॉल मैंने लगाया है उसका स्क्रीनशॉट भी भेज दूंगा। तो थैंक यू दोस्तों वीडियो को देखने के लिए।